अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन सीख की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम इसमें इसे तंदूर वगैरह में नहीं बनाएंगे। ये हम नॉर्मल जो हमारे पास पैन होता है उसमें बनाएंगे, और ये हमारी सीख जो है उतनी ही अच्छी बनेगी जितनी तंदूर में बनती है। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, चिकन का कीमा है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको इसमें पानी जितना भी रहेगा वो निकाल देना है। और यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, और ये जो बेसन मैंने लिया है ये हमारे कबाब को अच्छी सी बाइंडिंग देगा, और मसाले हैं स्पाइसेस जो हमारे रेसिपी के लिए हमें चाहिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कीमा ले लिया है, इसके अंदर हमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देना है, साथ ही में सारे पाउडर मसाले और बेसन भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बेसन से जैसे मैंने बोला इसमें हमारी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, और साथ ही में मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर विनेगर ऐड किया है, आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। विनेगर से क्या होगा, आपके चिकन के जो कबाब हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना, लेमन जूस की जगह पे आप विनेगर ऐड करके देखना। इस तरह से हमारा कीमा होना चाहिए, और यहाँ पर हम इसे रख देंगे आधे से एक घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, एक पेंसिल है इसको मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है, क्योंकि आज हम स्कीवर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, और एक पोर्शन हम ले लेंगे जितने बड़े हमें सीख बनाने हैं, कबाब बनाने हैं हमारे, और ये पेंसिल की मदद से हम शेप दे देंगे। इस तरह से आप करते जाइए, अगर आपके सीख कबाब का अच्छे से शेप ना आए तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आपको करना है। और हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, ये बड़ी आसानी से निकल जाते तो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से आप सारे सीख कबाब को रेडी कर लीजिए। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे ग्रिल करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक अपने कबाब को ऐड कर दूँगी, और इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। एक साइड से आपको 7 मिनट्स लगेंगे, और दूसरे साइड पे आपको 7 मिनट्स लगेगा। इतने टाइम में आपके सीख कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। इसे हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, एक अच्छा सा कलर आने तक हमें इसे कुक कर लेना है। ये देखिए हमारे सीख कबाब में कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और कितने अच्छे दिख रहे हैं कबाब्स। इस तरह से आप सारे साइड्स पे इसे पका लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको करते जाना है, ताकि हमारे सीख कबाब अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर ये रेडी हो गए, तो हम इसे निकाल देंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, और बाकी के भी कबाब को हम इसमें ऐड कर देंगे, और सेम वैसे ही हम इन्हें पका लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे सीख कबाब रेडी हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए, तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।